है गाइस, सबको ईद मुबारक। तो अभी टाइम हो गया रात के 1 बजे का और सभी को ईद मुबारक। 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपकी जो चांद रात वो अच्छी गुजरी होगी। और अभी का टाइम जो है वो 1 है और अभी जो है गुड़िया रानी मेरी ये लेटी सो रही है और मैं अभी खाने लगा हूँ नूडल्स, क्योंकि मुझे लगी अभी भूख। तो मैं लेके आया था नूडल्स और अभी बन गए हैं और खाने लगा नूडल्स। और सुबह फिर मिलते हैं आपके साथ ईद पे और क्या क्या कुछ करते हैं, कल का दिन कैसा गुजरता है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे किस तरह का गुजरता है। अभी ईद की जो है वो कुर्बानी जो है वो अभी मैं नहीं दे रहा, क्योंकि अभी जो है कुछ हालात इस तरह के जिसकी वजह से जो है ना कुर्बानी नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद हम जो है वो कोशिश करेंगे कि खुद की कुर्बानी करें। खैर अभी तो जो है वो ये सीन है कि कोई प्लान नहीं है कहीं पे जाने का, कहीं पे घूमने का, और ना ही कोई कपड़े वगैरह पहन के कहीं इधर जाने का, कोई भी कुछ भी प्लान नहीं अभी तक। बिल्कुल सिंपल कच्छा पहना हुआ है और ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है। तो अभी तो नाइट जो है चांद रात उसको इंजॉय कर रहे हैं और नूडल खाने लगे हैं। कल गोश्त आना शुरू हो जाएगा तो गोश्त खाएंगे और देखते हैं कैसा दिन गुजरता है। आज तो दिन काफ़ी अच्छा था और मौसम ठंडा रहा, शायद कल भी ठंडा ही रहे मौसम, क्योंकि मौसम भी बारिशों का सीज़न चल रहा है। तो अगर तो सही रहा मौसम तो फिर तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, और अगर गर्मी हुई तो ईद का बेटा गर्क हो जाएगा। खैर अभी तो अपना ऐसे ही चल रहा है सुकून से चिल मोड। अभी हमने आज कमरे की सेटिंग चेंज कर ली है, इधर हमारा फ्रंट पे शीशा लगा होता था, शीशा वाली साइड इस तरफ कर दी है। अभी शीशा लगाने वाला रहता है। अलमारी जो है वो हमने इस तरफ कर दी है क्योंकि एसी जो है वो हुआ है ख़राब, ये देख सकते हैं आप। असल में इसका ये देखें, आपको साइड नज़र आ रही होगी, पानी गिरता नज़र आ रहा है। इस जगह से पानी गिर रहा था जो कि हमारा शोकेस जो है वो उसको कर रहा था ख़राब। तो मैंने इसको उतार दिया, इसके नीचे 2 बाल्टियाँ रख दी, एक वो और एक खुद ही है। मैंने सारा खोला, इसको जो है वॉश किया थोड़ा सा, लेकिन ये जो है वो साफ़ नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। इसकी ड्रेन वाली साइड से तो पानी आ ही रहा है, लेकिन जो इसके ये वाली साइड से पानी आ रहा है ना, ये कर रहा है ख़राब। तो कुछ दिन है इनका ये सीज़न आउट हो जाए, फिर इंशाल्लाह अगले सीज़न तक नया इसी लगवाएंगे। और अभी कसीन ये कि अभी बाय बाय करते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे। रात के 1:30 का टाइम है, गुड़िया सो रही है और इधर उसके मेहंदी लगाई जा रही है, चांद रात मनाई जा रही है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। गुड़िया सो रही है हाँ, जिसके कैप नहीं मिली थी इसको जो है ना ये इसके कपड़ा रख दिए, घुसे में है ये देख। कितनी प्यारी लग रही है जी गाइस। तो अभी मेरी गुड़िया रानी जो है वो ये देखे तैयार हो गई है, येलो सूट पहना है, वाइट बूट, ऊपर ये कंट्रास्ट इसने किया, ये इसकी सारी चूड़ियां पड़ी हुई हैं ये देखें आप। और गुड़िया रानी मेरी तैयार हो गई थी, हाँ ईमान ईद मना रही है, सबसे पहले सुबह सुबह ये तैयार हुई है। उसके बाद जो है ना मैं भी तैयार हो चुका हूँ और उसके अभी खाना वगैरह भी खा के आ चुके हैं, घर में भी बनाया और फिर सासु माँ की तरफ गए थे, उधर से भी खाना वगैरह खा के। और अभी जो है वो अपने कमरे में आ चुके हैं। अभी अभी लाइट गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी लाइट आ चुकी है तो एसी वगैरह ऑन कर दिया दूसरे कमरे में, उधर से सुकून से भी बैठते हैं। तो शाम को फिर चलेंगे कहीं अगर जाना हुआ, नहीं तो फिर घर पे ही रहेंगे। और गोश्त वगैरह भी खा लिया, कुर्बानी हमने तो नहीं की, इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। और अभी चिल करते हैं, थोड़ा सा सुकून करते हैं एसी में, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा, गर्मी तो खैर इतनी नहीं थी, फैसलाबाद में तो काफ़ी बारिश हुई सुबह सुबह। आप ही के साथ बात हुई ना तो उन्होंने बताया कि फैसलाबाद सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और इधर तो कुछ नहीं था लेकिन मौसम ठंडा था। अभी इधर भी जो है वो गर्मी हो चुकी है, ये देखें
धूप निकल चुकी है और तकरीबन गर्मी है, तो अभी जो है ना फिर रेस्ट करते हैं सबसे पहले। गाइस अभी टाइम हो गया शाम के 6:30 का और ये मेरी गुड़िया रानी आ जाऊंगा शाम तो पकड़ लिया इसमें मुझे ये दिख। अभी चलते हैं हम छत पे, सब शाम का टाइम हो गया। अच्छे चलो तो छत पे जाके बैठते हैं सारी फैमिली और चिल करते हैं। छत पर आ चुके हैं और गुड़िया रानी को लटा दिया। ये देखिए इधर ये नया सूट पहना है दूसरा, आज एक दिन में दो सूट पहन लिए, दो सूट एक दिन में। और मौसम देखें अच्छा चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है और फिर बंद भी हो जाती है, मौसम कुछ इस तरह का ही है। ये गुड़िया रानी बैठी है लेटी हुई है जी। तो अभी आ गई हैं सवैयाँ जो कि सुबह हमने बनाई और खाई थी, और अभी शम्मा भी आ चुकी है, मैं भी हूँ, मामा भी है, गुड़िया भी है, मामा भी, अभी सब बैठ के जो है ना सवैयाँ खाने लगे जी। तो अभी आ गई है शम्मा भी और अभी हम जो है ना इधर करने लगे हैं, क्या उसे कहते हैं, तस्वीरें बनाने को क्या कहते हैं, फोटोशूट। हाँ फोटोशूट चलने लगे अभी तो अभी करते हैं फोटोशूट अपना जी। गाइस तो अभी स्टार्ट हो गया अगला दिन और आज है ईद का दूसरा दिन। तो अभी जो है कल हम शाम को चले गए थे कहीं बाहर, मैं दोस्त के साथ चला गया था, काफ़ी देर लेट है रात को तकरीबन 11-12 बजे, और फिर कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना। मैंने कहा चलो दो दिन का या तीन दिन का मुकम्मल ईद का एक दिन एक ही ब्लॉग बना लेंगे। और अभी सुबह का खाना वगैरह खा लिया, ये आज ईमान के कपड़े हैं, आज ईमान ने ये पहने, ये इसका फ्रॉक है, ये इसके मैच करते हैं जूते, ये जो है इसके बैंगल्स हैं, क्या इसे कहते हैं बैंगल्स, झांझरा वो कहते हैं ना इसमें गाने में, ये झांझरा भी पाई हैं मैं। और ये है इसका ये बैन हेयर बैन, और यहाँ भी ये खुद लेटी हुई है हन्ना ईमान, और ये इसने पहले की शर्ट पहनी हुई है, नीचे नेपी लगाया हुआ है बस, है ना ईमान, है ना ईमान। आज इसका दूध वाला नहीं आया हुआ, ये रो रही है, फिर मिल्क पैक पिलाने लगे हैं ऐसे, तो देखते हैं ये पीती है कि नहीं पीती, क्योंकि हम मिल्क पैक वगैरह जो है वो यूज़ नहीं करते, और अभी पिलाते हैं फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, काकी पिएगी कि नहीं पिएगी। तो खैर अभी दूध उसको पिला के देखते हैं, देख रही है क्या, देख रही है, आज ईद का दूसरा दिन है ईमान, आज ईद का दूसरा दिन मनाने लगे हो आप, बताओ ईद का दूसरा दिन मनाना है आपने, बताओ ना, आओ हाँ जी हाँ जी बताओ ना, हुई 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 कितना शबीर सा लगता है, पौड़ा सा बेबी लगता है मैं, नहीं मान आप प्यारे हो, कहाँ से, कहीं से भी नहीं, पापा को तो पाले लगते हो, पापा पाली कर ले, पापा पाली कर ले, हाथों पे कल की मेहंदी लगाई है, इस हाथ पे नेल पॉलिश लगाई हुई है, पाँव पे भी नेल पॉलिश इस पाँव पे भी नेल पॉलिश। अरे देखिए ये सही बना है, इधर ये ख़राब कर कर लिया था इसने मेरे कैसे, ये देखो ये भी नेल पॉलिश है, शम्मा ने नेल पॉलिश सही बना दिया ऊपर, ये सही बना है। और हमने पहने हुए कल के पुराने कपड़े, अभी तक हमने चेंज नहीं किए अभी चेंज करेंगे नहीं मान, दोस्त वगैरह खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम दोस्ती, अब शाम को बनाएंगे आज चावल पुलाओ, तो फिर वो आपको दिखाएंगे। तो अभी गाइस बारिश होना शुरू हो गई है, हमारे इस एरिया में बारिश हो रही है, और ईमान के जो है ना ये देखे कपड़े सारे गीले हो गए हैं, तो इसमें इनमें से ना फिर आती है स्मेल, ये देखो ये सारे ना फिर मतलब सिले सिले हों तो फिर स्मेल आती है। मैंने भाई पक चलाई है इस्त्री, और ईमान के जो है वो कपड़े प्रेस करने लगा हूँ, कि मैं जो है ना इसके सारे कपड़े अपनी बेटी के प्रेस करके रख देता हूँ। ये देखें इतनी अच्छी शर्ट, अब इसमें सूंघूंगा तो इसमें से स्मेल आएगी, तो उससे अच्छा हम इसको उधर रखें या कहीं, अभी पक्का तो लगाया हुआ ऊपर और नीचे वो रखें, लेकिन
उससे बेहतर है कि मैं इसको इस्त्री करके ना खुश्क करके फिर हम इसको कबड़ में रख दें। क्या ख्याल है, बच्चों के लिए इतना करना पड़ता है ना? नहीं मान, आपके कपड़े इस्त्री करके रख दो, बताओ आपके कपड़े इस्त्री करके रख दो, आप बहुत प्याले हो, आप बहुत प्याले हो, बताओ जरा। ये बब्बर शेर और नीचे ये शेर, ये ऊपर बब्बर शेर है क्योंकि ये हिलता है, और ये तो खाली शेर है जो हिल भी नहीं सकता, ये हिलेगी तो हिलेगा। जी गाइस, अभी सारे जो है कपड़े ये देखे मैंने इस्त्री कर दिए हैं, ये भी कुछ पड़े हैं कुछ ही हैं, तो इस्त्री वगैरह कर दिए हैं, सीने से बुरा हाल हो गया। और अभी पंखा चल रहा है, मेरे पसीना आ रहा है, बस बहुत ज़्यादा हो गया। जी गाइस, तो अभी स्टार्ट हो गया अगला दिन, तीसरा दिन है, और अभी आप देख सकते हैं कि बाहर जो है वो बारिश हो रही है, सुबह सुबह मेरी तरफ आ रही है इधर से ना, बारिश का रुख भी इस तरफ का ही है, काफ़ी बारिश हो गया। और इधर मामा के साथ अभी जो ना बोटियाँ छोटी छोटी करवाई हैं, अभी बनाने लगे हैं हम पुलाव, तो उसके लिए जो है बिल्कुल छोटी छोटी की हैं बोटियाँ। जी गाइस, तो पुलाव जो है ना वो पक्के तैयार हो चुका है और मुंह में पानी भी आ रहा है, तो अभी बैठ के जो है वो पुलाव खाते हैं।